अंतरराज्यीय मध्य प्रदेश से शराब परिवहन करने वाले दो व्यक्तियों को खंडवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भारी मात्रा में शराब एवं कार बरामद की गई। पुलिस महानिरीक्षक सरगुज और रेंज अंकित गर्ग, पुलिस अधीक्षक एमसीबी चंद्रमोहन सिंह के निर्देश अनुसार अवैध शराब बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश पर डीएसपी टीटोपो के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खंडंगवा आरएन गुप्ता के नेतृत्व में रात्रि रोड पेट्रोलिंग गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सफेद रंग की बुलेरो में अंग्रेजी शराब अमलई मध्य प्रदेश की तरफ से ग्राम जरीदा थाना खड़गवा होकर पसान जिला कोरवा जा रही है, जिसकी सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ लेकर ग्राम जरोदा पुल के पास घेराबंदी कर बुलेरो को रोककर नाम पता पूछने पर एक युवक द्वारा अपना नाम राजेश सिंह एवं उसके साथी वीरेंद्र सिंह मरावी जैतहरी जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया और शराब दुकान आमलई से शराब लेकर सीरी पिपरिया थाना पसान जिला कोरवा बिक्री करने ले जाना बताया, जिसे विधिवत वाहन की तलाशी लेने पर बोलेरो के पीछे सीट में कुल 20 पेटी गोवा विस्की अंग्रेजी शराब, प्रत्येक पेटी में 50-50 नग कुल 1000 पाव 180 लीटर कीमत लगभग 1,10,000 रुपए का होना पाया। आरोपियों को नोटिस देकर शराब बिक्री करने या परिवहन करने का पास परमिट चाह गया तो परमिट पास नहीं होना बताने पर आरोपियों के कब्जे से उक्त शराब एवं एक बोलेरो जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए, कुल जुमला कीमत 11,10,000 रुपए का गवाहों के समक्ष जब्ती कार्रवाई की गई। कल दिनांक 6/2/24 को हमको रात को सूचना मिला कि मध्य प्रदेश की ओर से एक बोलेरो का, जिसका नंबर है CG16CP618, अंग्रेजी शराब लेकर कोरबा की तरफ जा रहे हैं। चूंकि कोरबा हमारा बॉर्डर क्षेत्र है, जैसे हम लोग पूरा स्टाफ लेकर ग्राम जरोधा गए, वहाँ नाकाबंदी करके एक बोलेरो कार को पकड़ कर तलाशी दिए, जिसमें से 20 पेटी अंग्रेजी शराब मिला है। सर, पकड़ी गई शराब की कुल कीमत कितनी है? शराब की कीमत लगभग 1,10,000 रुपये है। जो पकड़ाए आरोपी कहाँ के हैं? ये आरोपी राजेश सिंह जो गाड़ी चला रहा था और जो बैठा था वो वीरेंद्र सिंह, दोनों जैतहरी गाँव के हैं, जो मध्य प्रदेश के। किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही सर? इसमें दोनों के विरुद्ध आपका प्रातः दर्पण न्यूज के लिए जिला एमसीबी से दीपेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।